दोस्तों इसराइल में धमाके इतने खतरनाक हो रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे उन धमाकों की तेज गर्जना की वजह से दम तोड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अनगिनत हमले इस समय हिजबुल्ला इसराइल के ऊपर कर रहा है। IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्स गाजा की जमीन पर हमास को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद IDF को पता नहीं था कि ये गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। इसलिए पहले तो हमास इसराइल पर दिन में एक या दो हमले ही करता था, लेकिन अब हमास दिन में कम से कम 7 से 8 हवाई हमले इसराइल पर डेली कर रहा है। और आपको बता दें कि बीते सोमवार को एक नहीं, दो नहीं, करीब 34 धमाके हमास ने इसराइल पर किए हैं। दोस्तों इसराइल पर हुए हमलों से इसराइल बुरी तरह से दहल गया है। इसराइल में इन धमाकों से इसराइल के सैनिकों में एक अजीब सी हलचल देखने को मिल रही है। हमास के द्वारा किए गए इन हमलों में ईरान के एक स्पेशल रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। इस हमले के बाद इसराइल बौखला गया है और इजरायली सैनिकों में हलचल मच गई है कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। ये हमला जिस जगह पर हुआ है वहाँ पर इजरायली सैनिकों का राशन पानी रखा हुआ था, जिसकी वजह से अब उस जगह इजरायली सैनिकों के पास खाने को कुछ नहीं बचा है। आपको बता दें कि इस हमले में सैनिकों का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इजरायली सेना के खानपान और हथियारों पर काफी बुरा असर पड़ा है। इन धमाकों में हिजबुल्ला का सबसे बड़ा हाथ था। पूरे इसराइल में हिजबुल्ला के नाम का खौफ फैलता जा रहा है। इस इलाके में इस कदर तबाही हुई है कि कोई भी मीडिया यहां से खबर कवर करने को राजी नहीं है और ना ही कोई सैनिक इस लोकेशन पर रिपोर्ट करने को राजी है। अभी तक नेतन्याहू ने भी इस मामले में मुंह नहीं खोला है। एक मीटिंग से निकलते हुए नेतन्याहू के गार्ड्स ने मीडिया को नेतन्याहू से कोई भी प्रश्न नहीं पूछने दिया। नेतन्याहू को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे ताकतवर संगठन हिजबुल्ला से दो दो हाथ करें। हिजबुल्ला दिन प्रतिदिन और खतरनाक होता जा रहा है। हिजबुल्ला का इससे पहले इतना खौफ इसराइल में कभी नहीं हुआ था। हाल ही में कुछ खुफिया एजेंसीज ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि हिजबुल्ला संगठन के कुछ लोग ईरानी लोगों के साथ बैठक में नजर आए थे। ये बैठक ईरान में हुई थी और ये बैठक करीब 9 घंटे चली थी। अभी तक इस बैठक में बात क्या हुई है इस बात की खबर किसी को नहीं है, लेकिन इस बैठक के बाद से नेतन्याहू काफी सदमे में लग रहे हैं। इस समय नेतन्याहू मीडिया और मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्ला के इस हमले के बारे में भी नेतन्याहू ने अभी चुप्पी साध रखी है। हिजबुल्ला का टारगेट शीबा फॉर्म्स है। आपको बता दें कि शीबा फॉर्म्स एक जगह है जिसे इसराइल ने लड़ाई के दौरान हथिया लिया था। हिजबुल्ला उसी शीबा फॉर्म्स को वापस लेने के लिए ऐसा कर रहा है और ऐसा करने में बगदाद से हिजबुल्ला को काफी मदद मिल रही है। शीबा फॉर्म्स सीरिया से थोड़ी ही दूरी पर है और हिजबुल्ला की माने तो इसराइल धीरे धीरे कब्जा करके आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वो छोटे देशों को कर्जा देता है और फिर उन पर अधिकार कर लेता है। इनमें बगदाद और सूडान जैसे देश शामिल हैं जो इसराइल के कर्ज तले डूबे हुए हैं। अब आप समझिए कि इन सारी चीजों को इसराइल एक प्लान के तहत अंजाम देता है। बता दे दोस्तों, हिजबुल्ला लगातार नॉर्दर्न इसराइल को निशाना बना रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला का कहना है कि नॉर्दर्न इसराइल के सैनिक जो बमबारी करते हैं उनमें फिलिस्तीनियों और गाजा के नागरिकों की जान सबसे ज्यादा जाती है। हिजबुल्ला का बयान है कि वो फिलिस्तीनियों को आजाद कराना चाहता है। इसराइल और इसराइली सैनिक फिलिस्तीनियों पर जुर्म और अत्याचार कर रहे हैं, जिसके चलते करीब 1,00,000 इसराइली सैनिक इधर उधर टेंट लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आप इस चीज पर गौर कीजिए, जिस तरह से बार बार इसराइल हिजबुल्ला को संबोधित करते हुए कहता है कि वो उसे मिटा देगा, उस हिसाब से देखा जाए तो इसराइल ने अब अपने आप को खुद इस लड़ाई में फंसा लिया है। उसके हिसाब से वो बार बार एक बड़ी जंग का ऐलान करना चाहता था। बार बार इसराइल अपनी स्टेटमेंट में एक वॉर डिक्लेयर करना चाहता था और अब जब एक बड़ी वॉर के सारे सिनेरियो बन गए हैं तो इसराइल अपने कदम पीछे ले रहा है और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मीडिया के सामने चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक बड़ी लड़ाई में जीत के लिए अच्छे हथियार, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी और एक परफेक्ट प्लान जरूरी होता है, तभी कोई भी देश किसी लड़ाई को जीत सकता है। इसराइल ने शुरुआत में सोचा था कि हमारे पास दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस टीम है और हमारे पास बेस्ट वेपन्स हैं। इस चक्कर में उसने अपने दुश्मन यानी कि हमास को कमजोर समझ लिया था, लेकिन हमास को कमजोर समझना इसराइल की अब तक की सबसे बड़ी भूल थी। इसराइल को अब तक हमास और हिजबुल्ला ने मिलकर काफी झटके दिए हैं। आपको बता दें कि ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का कहना है हमास के लड़ाके इसराइल के सैनिकों से कई गुना ज्यादा ट्रेंड और हर हथियार पर बेहतर कमांड रखने वाले हैं। यही कारण है कि इसराइल अब इस युद्ध में पिछड़ता दिखाई दे रहा है। हिजबुल्ला की बात करें तो आज की तारीख में हिजबुल्ला ने इसराइल की इतनी बुरी हालत करके रख दी है कि इसराइल खुद इस चीज का डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि आखिर वो क्या करे। यही कारण है कि अब इसराइल सबसे मुंह बचाता घूम रहा है। पहले इस लड़ाई में इसराइल ने अपने बेहतरीन सैनिकों को खो दिया,
ऊपर से उसका इतना लॉस हुआ कि अब इसराइल की इकोनॉमी जो एक समय आसमान छूती थी वो अब जमीन पर आ गई है। हिजबुल्ला ने अब तक इसराइल का कितना नुकसान किया है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस बात को जरा गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। असल में इसराइल के एक मीडिया चैनल 7 वेबसाइट ने एक रिपोर्ट छापी और एक रिपोर्ट में साफ साफ बताया कि नॉर्दर्न इसराइल में किर्यात शिमोना नाम का शहर आता है, उसकी बुरी हालत हो चुकी है। असल में इन 17 हफ्तों की जो जंग चली है उसमें इसराइल के सभी बड़े शहरों के बिजनेस डूब गए हैं। लगभग 75% बड़े बिजनेस इस तरह बर्बाद हो चुके हैं कि अब उन्हें पहले जैसा बनने के लिए कई साल लग जाएंगे। इसराइल का एक बड़ा बैंक जो कि क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से लोगों को पैसा देता है, उस बैंक के मुताबिक जो लोग क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहे थे उन सभी ने पूरे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया है और अब हालात ये हो गए हैं कि लोगों के पास ना तो पैसा है और ना ही लोगों के पास जॉब बची है जिसके माध्यम से वो क्रेडिट कार्ड का पैसा लौटा सकें। और आपको बता दें इसराइल का एक शहर है एलात, इसे एलात पोर्ट भी कहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ भी बिजनेस के ये हालात हो चुके हैं कि यहाँ का बिजनेस लगभग 42% से भी नीचे जा चुका है। इसराइल का एक और काफी पॉपुलर मीडिया चैनल है जिसे कैन चैनल के नाम से जानते हैं, उसने भी एक डेटा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक नॉर्दर्न इसराइल में छोटे बड़े मिलाकर करीब 1000 व्यापार प्रभावित हुए हैं और करीब 1100 से 1200 छोटे यानी कि लघु उद्योग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसराइल के कुछ हिस्सों में भुखमरी जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे इजरायली एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक नॉर्दर्न इसराइल पर वॉर डिक्लेयर करना इसराइल की सबसे बड़ी भूल थी और अगर इसराइल नॉर्दर्न बॉर्डर से ज्यादा छेड़छाड़ करता है तो हो सकता है कि इसराइल पर एक बड़ा संकट आ जाए, क्योंकि इसराइल का पूंजीवादी वर्ग जो कि पॉश इलाकों में रहता है, जो कि अभी भी सुरक्षित है, उनके ऊपर भी संकट मंडरा सकता है और अगर इन्हें कुछ होता है तो जो भी इसराइल में फंडिंग हो रही है गरीबों के लिए वो रुक जाएगी। इस बात का सीधा असर इसराइल की हार होगी। इसराइल इस बात को समझ नहीं रहा है। कुछ इजरायली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्ला के लड़ाकों को कमजोर समझने की गलती की है। इसी बात का खामियाजा पूरे इसराइल और उसकी जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर अभी भी इसराइल अपनी जिद पर अड़ा रहा तो वो दिन भी जल्द ही आ जाएगा जब इसराइल दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। अभी तक जो भी हमने आपको बताया है ये नॉर्दर्न इसराइल की बात थी, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे इसराइल की इकोनॉमी की बात की जाए तो जो खबर निकल कर आ रही है वो चौंका देने वाली नहीं बल्कि हिला देने वाली है। आपको बता दें कि जिस तरह से इसराइल टेक इंडस्ट्री में ऊपर की तरफ बढ़ रहा था उस हिसाब से इसराइल को एक बहुत बड़ी चोट लगी है। इसराइल ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। बता दें इसराइल में कंस्ट्रक्शन का काम भी बड़े जोरों शोरों से चल रहा था जो कि अब बिल्कुल बंद हो चुका है। उसके साथ ही आपको बता दें कि इसराइल की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी सबसे बड़ा झटका लगा है। और बिजनेस तो रेंग रेंग कर भी चल रहे हैं लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल ठप हो गई है। टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सारे इम्प्लॉयज भिखारियों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि युद्ध की वजह से इसराइल में देश से बाहर जाने और देश के अंदर आने पर असीमित समय के लिए प्रतिबंध लग चुका है। और इसराइल में जिस तरह के हालात हैं ऐसी भयानक वॉर में कौन इसराइल के अंदर जाना चाहेगा। इसराइल की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसराइल अब खतरे में है। कुछ दिनों में हो सकता है कि इसराइल इस वॉर को सरेंडर कर दे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इसराइल के साथ क्या होने वाला है आने वाले समय में, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।